हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 4 कंटेनर डाले हैं रेत के, और सेम कंटेनर से मैंने 2 डाले हैं सीमेंट के। इनको अच्छी तरह से पहले हमें मिक्स कर लेना है। ये देखिए, अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाना चाहिए, और ज़रूरत के हिसाब से ही हम इसमें पानी डालते जाएंगे। और इस तरह से मेरे पास ये एक गाढ़ा घोल बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद फिर मेरे पास ये गाड़ी का टायर था जो, उसमें मैंने मिट्टी को अच्छी तरह से भर लिया है। अच्छी तरह से दबा दबा के ही भरना है हमें इसमें। और ये जो हमने सीमेंट का घोल बनाया है ना, इसको इस तरह से इसके ऊपर हमें रखते जाना है। अच्छी तरह से हमें इसको बोरे में फैला देना है। और उसके बाद फिर मेरे पास ये फुलझड़ी की वायर पड़ी हुई थी छोटी छोटी सी, उन्हीं को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। मैं अगर आपके पास कोई सरिया वगैरह के पीसेस पड़े हैं घर में, तो आप उनको भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं था, तो यही वायर थी मेरे पास, तो इन्हीं को मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। ये देखिए, इनको यहाँ पे अच्छी तरह से लगा लिया है मैंने चारों तरफ। ये देखिए, और उसके बाद फिर जो सीमेंट मेरे पास और बचा हुआ था, उसको मैंने इसके ऊपर दोबारा से फैला दिया है, ताकि ये हमारा जो पॉट बन के तैयार होगा ना, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग होगा ये। इसमें हम चाहे कितनी भी मिट्टी और कोई बड़ा प्लांट आराम से फिर लगा सकते हैं, अच्छी तरीके से वो ग्रो करेगा, क्योंकि इसका स्पेस भी काफ़ी बड़ा होता है। और उसके बाद फिर मेरे पास ये 3 स्टील के गिलास पड़े हुए थे। ये गिलास यूज़ में नहीं आते हैं, मेरे पास ऐसे ही घर में रखे हुए थे, तो इन्हीं के बीच में मैंने ऑयल को अच्छी तरह से लगा दिया है। ये देखिए, अच्छी तरह से हमें इसको स्प्रेड करना है हाथों से, ताकि जब हम इसको निकालें तो इसमें सीमेंट हमारा लगा ना रहे। और अच्छी तरह से फिर हमें इनके अंदर सीमेंट को फिल कर देना है। अगर आपके पास डिस्पोजल ग्लास पड़े हुए हैं, तो आप उनका यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं इनको यहाँ पर रख दूँगी। बड़ा ही इजी तरीका है इसको बनाने का। जहाँ भी आपको ये गिलास लगाने हैं ना, आप वहाँ पे पहले निशान लगा के लगा लें, ताकि सेम जगह पे ये गिलास हमारे लगे। और ये देखिए, उसके बाद फिर 2 घंटे के बाद ना मैंने ग्लासेस को निकाल दिया था, वो मैं शूट नहीं कर पाई थी। और 4-5 दिन के बाद, ये देखिए, पानी भर देती थी इसमें डेली मैं, और सूख गया था अच्छी तरह से। उसके बाद इस तरह से मैंने इसकी मिट्टी बीच में से निकाल दी है। आप चाहें तो ये मिट्टी निकालने के लिए किसी की हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हैवी हो जाता है ये बनाने के बाद। तो इसी तरह से मैंने इसमें से सारी मिट्टी, ये देखिए, निकाल दी है, और इसको मैंने इस तरह से सीधा कर दिया है। बाकी की बची हुई मिट्टी भी मैंने इसमें से निकाल दी थी। ये देखिए, कितना ही प्यारा और बिल्कुल फ्री में हमारा पॉट बन के तैयार हुआ है ये। ये देखिए, नीचे भी मैंने इसमें पेंट नहीं करा है, इसको मैं बाद में करूँगी। आप चाहें तो इसको ना, टायर को बाद में पेंट करें। मैं पहले कुछ और बना रही थी इसका, पर मैंने फिर बाद में इसका पॉट ही बना लिया, तो मैंने इसलिए पहले से ही इसमें कलर किया हुआ था। और ये देखिए, उसके बाद मैंने इसमें प्लांट लगाए हैं, और कितना ही सुंदर बनके ये तैयार हुआ है। मेरे पास घर में कुछ जो भी ये, मतलब छोटे छोटे पत्थर मुझे जहाँ से भी मिले, वहाँ से मैंने उठा के इसमें लगा दिए हैं। जो भी मेरे पास सकुलेंट थे, वो भी मैंने इसमें लगा दिए हैं। कुछ स्नेक प्लांट्स मैंने इसमें लगाए हैं। और ये वाली डक जो आप देख रहे हैं, मैंने इसका वीडियो आप लोगों के साथ पीछे भी शेयर किया था, तो इसको भी मैंने बीच में ही लगा दिया है। और ये देखिए, ये मेरी जेड की टोपियारी है, इसके अंदर मैंने इसको भी लगा दिया है। पीछे कुछ स्नेक प्लांट और भी हैं अलग वेराइटी की। ये तो ये दोनों डक मैंने इस तरह से इसमें लगा दी हैं। और ये एक फ्रॉग रखा है मैंने इसके बीच में, इसका वीडियो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। ये देखिए, कितना सा ही क्यूट हमारा ये एक, मतलब, टोपियारी बनके तैयार हुई है। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।